मैं आज व्लॉग एडिट करने में बिजी थी और लंच टाइम हो गया था, सबने खा के खत्म कर दिया था, तो मेरी मदर इन लॉ ने फिर से खाना बनाया मेरे लिए। ये देखो, ये लैम्ब और सब्जी है, और ये कुछ सैलेड है, पिकल्स है, खट्टे हैं। बाबू स्लॉट मशीन भी खेल रहा है, किसी ने हमको स्लॉट मशीन दी है, तो किस किस ने स्लॉट मशीन में खेला है मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। एक्चुअली आई वॉज रॉन्ग, किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए खाना अभी लेट बन रहा है। हमने खाना नहीं खाया था तो हम सब मिलके खा रहे हैं अभी। ये सब्जी पता नहीं कौन सी है, लेकिन इसको उबाल के इसका पानी निचोड़ा गया है, और इसको ये डिप है ना सोयाबीन का, उसमें डाल के खाएंगे। किससे खेल रहे हो? गुस्सा आ गया, नींद आ रही है। और पता नहीं इवान को क्या हो रहा है आजकल, उसका पेट खराब चल रहा है, रेगुलरली उसका पेट खराब ही रहता है। शायद उसको कोई एलर्जी है, मुझे लगता है उसको डॉग से एलर्जी है। कुछ बता नहीं सकते, पक्के तौर पे कुछ कह नहीं सकते। आज देखो क्या स्पेशल है, लैम्ब के साथ, इसको पालागोवा बोलते हैं, लैम्ब के साथ हम प्याज वगैरह, और ये वेजिटेरियन है, आपने पत्ता गोभी और नूडल्स जो स्टार्च वाले ग्लास नूडल्स हैं, और ये है हमारा टोफू, टोफू के साथ हरी मिर्च, थोड़ा अचार है, थोड़ा ये कुछ ऐसा है इसमें डिप करके खाने का मसाला, पीनट्स वगैरह। अच्छे बब्बू कितना खुश हो रहा है देखो, इसको देख के, ये चीज देख के खा लो बब्बू। थोड़ा सा आलू है उसके लिए, उसकी दादी माँ ने बनाया है ये खिचड़ी, खिचड़ी यानी यहाँ पे खाते हैं जो बाजरे की खिचड़ी है, यहाँ वाले बाजरे की, थोड़े से सब्जी वगैरह है। एक्चुअली ये स्क्वाश है जिसको जापान में भी खाते हैं। अब टाइम हो गया है इवान के सोने का। आज मम्मी ने फिर से स्पेशल बनाया, देखो वेजिटेरियन पीस बोल सकते हो। ये है हमारे ग्लास नूडल्स, टोफू और गोभी, पत्ता गोभी जो कि यहाँ बहुत ही यूज होती है। जो यहाँ साइड में बंस रखे हुए हैं वो एक्चुअली मक्के के हैं, उसके अंदर मीठी रेड बीन्स भरी हुई है। कार्टून 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 लेटर बाबू। इवान को आजकल अच्छा लग रहा है कीपैड पे बटन दबाना, क्योंकि इसमें से आवाज आ रही है, तो सबके फोन ले लेके यही कर रहा है। देखो फोन ले लिया तो रो रहा है। लो, लॉकडाउन के टाइम हम पार्लर नहीं जा सकते थे, तो इसकी दादी ने इसके ऐसे अजीब से बाल काटे हैं ना, लेकिन होपफुली थोड़े दिन में बड़े हो जाएंगे। इवान ने फोन से खेलते खेलते गलती से अपने दादा को नंबर डायल कर दिया, और वो अभी डॉग को लेके गए हैं बाहर घुमाने। बाबा बाबू नहीं, ये देखो हमारी पहली डिश आ गई, मम्मी बना रही है एज यूजुअल, और ये है सैलरी जो कि सब्जी है, और आलू, हाँ बस सैलरी और आलू है ये। ये आलू थोड़े से एकदम गले हुए नहीं होते, थोड़े से क्रिस्पी होते हैं। ये आ गया बेबी का फूड यानी उसका दलिया, क्योंकि उसको चावल सूट नहीं करता, हम दलिया देते हैं। खाओ हाँ।
तो ये है पोर्क की डिश, आई थिंक पोर्क स्टर फ्राई है सिंपल वाला, उसमें थोड़े टमाटर वगैरह भी डाले हुए हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैं वहाँ पे इंडियन फूड क्यों नहीं बना रही हूँ, तो बात यह है कि अभी यहाँ पे न्यू ईयर का फेस्टिवल चल रहा है जो कि यहाँ चाइना का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और इस टाइम जो 7-8 दिन ये लोग सेलिब्रेट करते हैं तब सारी चीजें ट्रेडिशनल होती है, तो आई जस्ट थॉट इट इज बेटर इफ दे मेक देयर ट्रेडिशनल फूड, यू नो। ये वही वीगन फिश है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सोयाबीन की बनी हुई है और टेक्सचर में फिश के जैसी है, टेस्टी है। इसको मैं बारबेक्यू के जो ये पाउडर है ना, जो मसाला है, उसमें डिप करके खा रही हूँ। तो ओडी ने ये बारबेक्यू करके मुझे जस्ट अभी दी है। इस टाइप का खाना यहाँ बुद्धिस्ट लोगों के लिए इन्वेंट हुआ है क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। टोफू इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसके साथ इस टाइप की डिशेस बनाना बहुत अच्छा आइडिया है। बब्बू थोड़ा नाराज है, बब्बू थोड़ा गुस्सा है, क्यों गुस्सा हो बब्बू? हे गाइस, मैं हूँ अपने घर के पीछे, जिलेन वाले घर के पीछे। अभी टेम्परेचर है कुछ -24 degrees और काफी, देखो ये रूरल एरिया बोल सकते हो आप इसको, और मैं हूँ हमारे गांव में जो कि जिलेन चाइना में है। जिलेन एक प्रोविंस है यहाँ का। तो बहुत टाइम से हम यहाँ आ चुके हैं, हमको लगभग 1 महीना होने को आया है, लेकिन मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि पास वाले किसी गांव में केसेस हो गए थे तो यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। आज लॉकडाउन खुला है और आज हम लोग फाइनली अपने कुछ रिलेटिव से मिलेंगे यहाँ पे, और आज हम बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो बाहर घर से बाहर ही नहीं निकल रहे थे हम लोग, कुछ शॉपिंग करने वगैरह के लिए भी नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पीछे है ओडिन और ईवान। ईवान को मैंने अच्छे से कपड़े पहना लिए, बहुत अच्छे से पैक कर लिया ताकि उसको ठंडी ना लगे। वैसे ज़्यादा नहीं, देखो मैंने जैकेट ओपन पहना हुआ है और अंदर एक टी शर्ट है बस, यानी थोड़ा सा मोटा वाला, ये काफ़ी है। तो ऐसा नहीं है गाइस कि -24 एकदम अनबियरेबल है, बस एक प्रॉब्लम है कि जो स्नो है ना जूतों में घुस जाए तो एकदम पानी पानी हो जाती है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। हम अभी वेट कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स कुछ आने वाले हैं, आप जानते हो कि मैं व्लॉग बना चुकी हूँ उनके साथ पहले, शिंग शिंग का, और उनके साथ हम शायद बाहर घूमने जाएंगे। अभी हो गए दिन के 2 बज रहे हैं शायद, तो बस अरे रे रे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, देखो स्नो का क्या हाल चल रहा है। ये देखो गाइस, ये है एरिया पीछे वाले का, और मैं आपको कुछ बताती हूँ, होता ही है ना शुरुआत में बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, ऐसा लगता है नॉर्मल है, थोड़ी देर में यू नो 5-10 मिनट बाद आपके हाथ जमने लगते हैं, वो तो पता ही होगा। ग्लव्स पहनने का भी कुछ ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा चुकी हूँ, यहाँ पे हमारे जो ईंधन है ना, भुट्टे और कुछ कुछ चीज़ें यू नो जलाने का जो हम घर पे जलाते हैं, कोयले, भुट्टे, लकड़ी, तो वो सब पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको हम यूज़ करते हैं। और वो पीछा बिल्डिंग देख रहे हो, पहले हम जब जिलेन आते थे यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे इनका फ्लैट है, मेरे पेरेंट्स का फ्लैट भी है, काफ़ी गर्म रहता है एक्चुअली, ये बिल्डिंग खुद ही गर्म होती है, बट एक ट्रेडिशनल घर में, बंगले में या विला में बहुत मेहनत लगती है गर्म करने को। देखो काफ़ी ज़्यादा हो गई ठंडी, यहाँ कुछ टायर पड़े, ये क्या है पता नहीं, जालियाँ हैं ये, कुछ टैंक पड़े हैं, ये फ्यूल जैसे टैंक लगते हैं, सब जम चुका है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं और ओडिन गए थे स्कीइंग करने के लिए, और हमारे हाथ, मेरे हाथ एकदम ठंडे पड़ने लगे, एकदम पेन होने लगे हाथ में और पैरों में, और तब ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं था, -17 कुछ था, लेकिन मुझे बहुत ठंडी लगने लगी। फिर हमने जो भी पैसा दिया था 3-4 घंटे का, हम लोग 1 घंटे में ही वापस आ गए क्योंकि मुझसे झेला ही नहीं जा रहा था। तो हाँ, इतना आसान भी नहीं है, अगर ज़्यादा टाइम के लिए रुको ना आप तो ईजी नहीं है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक सकते, लेकिन देखो थोड़े बहुत टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए घर से निकल सकते हो आप। तो इससे पहले कि सब आए, हम लोग खाना खा रहे हैं, देखो हमारे जाओजा यानी डम्पलिंग्स, और वही ऑथेंटिक चाइनीज डम्पलिंग्स है, ऐसी होती है, और देखो ये ऑथेंटिक सॉस होता है गाइस, तो यानी इट्स नॉट चिली गार्लिक सॉस लाइक वी ईट इन इंडिया, सोया सॉस और गार्लिक, थोड़ा सा सेसमी ऑयल। ओह माय गॉड, देखो मम्मी ने कितने सारे डम्पलिंग्स बनाए हैं, कम से कम 100 बनाए हैं मुझे लगता है, बहुत मेहनत लगी मुझे, देखो हर तरह की मम्मी ने।
मैंने इतने मेहनती लोग नहीं देखे लाइफ में सच में, वो इस उम्र में इतने सारे इतना सारा खाना रोज कैसे बना लेते हैं पता नहीं। देखो आप, ऐसा लग रहा है एक्चुअली हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए भी है ये। ईवान के लिए He got a cat also. He got a cat also. जाके अपने दादाजी को दे रहा है। ये देखो ये कोई मिठाई लाए हैं, ये पता नहीं कौन सी मिठाई है, बहुत सुंदर बनाई है। मम्मी आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ मामा क्या हो रहा है फैमिली है अभी, सब कितने खुश है, सब खुश है ईवान को देख के क्योंकि ईवान खुश है। और ये है शिंग शिंग, शिंग शिंग को बहुत मिल चुके हो, सब शिंग शिंग को बहुत पसंद करते हैं। हमारी काफी शिंग शिंग की फैमिली है ये, शिंग शिंग की फैमिली ना। और मम्मी कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है आज ना, मूवी स्टार जैसे। ओडिन बैठा सबसे दूर जाके, देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो लाइक पिक्चर परफेक्ट। हम यहाँ इनके घर पे आ गए हैं सोसाइटी के बाहर, और ये बाहर इतना अच्छा चिमनी चल रही है, बहुत ही सिनेमैटिक लग रहा है। ये है उनका घर, कितना अच्छा लगता है देखो रात के टाइम पे। ये उनका वाइन सेलर कितना सुंदर है देखो, मुझे तो बहुत पसंद है। लाइक मैं यहाँ खिड़की से देख रही हूँ, रात का टाइम हो गया है और लोग क्या क्या कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट वॉन्ट टू बी इंट्रूसिव, बट लाइक लोग अपने नॉर्मल काम ही कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है, ज़्यादातर लोग खाना बना रहे हैं। कोई एक लड़की पढ़ाई कर रही है, और बस एक लेडी है जो चावल धो रही है बहुत टाइम से, पता नहीं कितने बार धो दिया उसने। बहुत अच्छा सीन दिख रहा है यहाँ से बाहर का देखो। I like this light so much. और मेरा फेवरेट बाथरूम वापस, मैं इसमें डेफिनेटली नहाने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत बोर हो गई सादे बाथरूम में नहा के। आज मौका मिला है, आज मैं यहाँ पे नहा के ही जाऊंगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट व्लॉग में हम शायद जाएंगे बहुत दूर के एक गांव में, आपको भी लेके चलूंगी, और प्रॉपर एक फार्म हाउस कैसा होता है वो देखने को मिलेगा हम सबको। बाय गाइस।